हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं मैं आपके अपने चैनल आमिर बर्ड आइवरी में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं कॉकाटेल के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूं और कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं, जो कि इस बर्ड हॉबी के अंदर न्यू ऐड हो चुके हैं या फिर इस हॉबी को स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो खास है। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसके अंदर इस वीडियो में मैं ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा आप सभी के साथ में जो आपको ब्रीडिंग के अंदर बहुत हेल्पफुल होंगे। उसी के साथ में आपके पास, जिस तरह मेरे पास कॉकाटेल की एक अच्छी ब्रीड आती है, उसी तरह आपके पास भी एक कॉकाटेल की अच्छी ब्रीड आएगी। तो फर्स्ट टॉपिक जो है, यानी कन्फर्म जो है, हमें एक बर्ड के अंदर मेल फीमेल का कन्फर्म होना चाहिए। बहुत सारे लोग बाहर से बर्ड वगैरह परचेस कर लेते हैं और ज़्यादातर बर्ड जो है कंफर्मेशन नहीं होता कि मेल है या फीमेल। तो सबसे पहले हमें जेंडर की इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके बाद जिससे भी हम बर्ड परचेस करते हैं उनके पास एक बार हमें इंक्वायरी करनी चाहिए, यानी जो हम पैर खरीदते हैं वो कहीं सिब्लिंग्स तो नहीं, क्योंकि इससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं ब्रीडिंग के अंदर। और मेन जो है, यानी बर्ड की एज का पूरा होना बहुत ज़रूरी है कॉकाटेल बर्ड के अंदर। यानी कम से कम बर्ड की एज जो है 1 साल के ऊपर होनी चाहिए, तब जाकर बर्ड जो है अच्छी ब्रीड करता है और अच्छा रिजल्ट आता है। ये हो गया फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक जो है वो है केज का साइज़ और ब्रीडिंग बॉक्स का साइज़। हम बहुत सारे लोग जो हैं कॉकाटेल को छोटे केज के अंदर रखते हैं, जिससे कि बर्ड को एक अच्छी फ्लाइंग नहीं मिलती, बर्ड चर्बी के अंदर आ जाता है, यानी बर्ड के बॉडी के अंदर फैट जमा हो जाता है, जिससे कि फीमेल को लेइंग के अंदर प्रॉब्लम आती है। इस तरह से प्रॉब्लम आते हैं, उसके लिए मेन हमें, यानी एक अच्छे केज की साइज़ रिक्वायरमेंट होती है। एक आइडियल केज की साइज़ जो है 3 फीट बाय 2 फीट बाय 2 फीट है। इस केज के अंदर कॉकाटेल बर्ड जो है आराम से ब्रीड करता है। अगर आपके पास कुछ जगह की प्रॉब्लम होगा तो आप एक दूसरी साइज़ भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि सिर्फ ब्रीडिंग के लिए है, 2 फीट बाय 2 फीट बाय 2 फीट। इसके अंदर भी बर्ड जो है आराम से ब्रीड कर लेता है। सिर्फ हमें इसके अंदर ब्रीडिंग बॉक्स जो है वो बाहर की साइड में लगाना होता है। अब बात आती है ब्रीडिंग बॉक्स के ऊपर। ब्रीडिंग बॉक्स जो है, ज़्यादातर कॉकाटेल बर्ड जो है ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर ही ब्रीड करता है। अगर कोई मटकी यूज़ करते हैं तो वो भी चलेगा, लेकिन बेहतर जो है वो ब्रीडिंग बॉक्स है। और उसका साइज़ जो है 12 इंच बाय 10 इंच बाय 10 इंच। आप कोई भी शेप इस साइज़ का हमें बॉक्स लेना है। इसके अंदर कॉकाटेल आराम से ब्रीड भी कर लेता है और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। ये हो गए 2 टॉपिक। इसके बाद आता है 3रा टॉपिक, जो कि बर्ड के डाइट के ऊपर है। बहुत सारे लोग बर्ड को हमेशा हर एक सीज़न के अंदर एक ही फ्रूट देते हैं, एक ही तरह के वेजिटेबल देते हैं या फिर एक ही तरह का सीड्स देते हैं, जो कि है कंगनी दाना। कंगनी दाना देने से बर्ड को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता, लेकिन बर्ड को जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलने चाहिए हर तरह के, या फिर जो जो बर्ड के बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो तमाम चीज़ें नहीं मिलती। उसकी वजह से बर्ड के ब्रीडिंग में भी इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है। बर्ड जो है वो जल्दी हीट पर नहीं आता। बर्ड की जिस तरह फास्ट ग्रोथ होनी चाहिए, जिस तरह उसके फेदर कंडीशन होनी चाहिए, उसके अंदर बर्ड जो है उतना मैच्योर नहीं होता। उसके लिए हमें सीड्स के अंदर, अगर आपके पास अवेलेबल होगा तो सीड मिक्स दे दीजिए। सीड मिक्स अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आप अलग अलग 5 से 6 वैरायटी के सीड जो है मिक्स करके दीजिए अपने बर्ड्स को, जिससे कि बर्ड को न्यूट्रिएंट्स पूरे मिल जाए। उसी के साथ में जो सीजनेबल फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, वो भी हमें अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करने चाहिए, उससे कि बर्ड के अंदर कैल्शियम की वगैरह कमी नहीं होती, बर्ड भी आपका फुल हेल्दी और एक्टिव हो जाता है। और जब बर्ड ब्रीड करता है तब चिक्स को फीडिंग करने के लिए भी वो, यानी अच्छा होता है, और चिक्स की साइज़ भी जो है वो ग्रोथ फास्ट हो जाती है उसके वजह से।
उसके बाद आता है चौथा टॉपिक बर्ड के सप्लीमेंट के ऊपर। बहुत सारे लोग बर्ड को कुछ भी सप्लीमेंट नहीं देते, या फिर देते हैं तो उसका एक यानी तरतीब से नहीं देते, एक अच्छे डोसेज के ऊपर नहीं देते। ये भी बहुत सारा प्रॉब्लम आता है इसका, जैसे कि कैल्शियम की कमी होने के बाद, या फिर कुछ लोग जो हैं बर्ड को ज़्यादा डोसेज हो जाता है, जैसे कैल्शियम अगर बर्ड के अंदर ज़्यादा होगा तो चिक्स जो है डेडिंग सेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों का एक ख्याल होगा कि बर्ड जो है ह्यूमिडिटी के वजह से डेडिंग सेल का प्रॉब्लम आता है, तो वैसा नहीं होता। डेडिंग सेल का प्रॉब्लम जो है मेन यानी रीज़न तो बहुत सारे होते हैं उसके, लेकिन अगर बर्ड के बॉडी के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होता है, फीमेल के बॉडी के अंदर हो गया, तो फिर जब एक लेइंग करती है पेयर, तो एक का शेल जो है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, उससे बर्ड को जो है हैचिंग कर बाहर आने के लिए प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से डेडिंग सेल का प्रॉब्लम आता है। या फिर बहुत सारे लोगों ने देखा होगा बर्ड सेटअप के ऊपर चिक्स बाहर आना स्टार्ट कर देता है लेकिन उसी के अंदर एक्सपायर हो जाता है, तो ये मेन प्रॉब्लम आता है। कैल्शियम का जो काम होता है बर्ड के बॉडी के अंदर, वो हड्डियों को मजबूत करना रहता है। उसका ज़्यादातर यूज़ हमें जैसे ब्रीड पर हमने पैर को लगा दिया तो एक हफ्ते का कोर्स करना है स्टार्टिंग में लेइंग से पहले, और जब बर्ड लेइंग करता है तो 15 दिन के यानी 15 दिन का गैप छोड़कर दो दो दिन का हमें कोर्स कराना है, जिससे कि बर्ड को कैल्शियम का ओवरडोज भी नहीं होगा और बर्ड की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद आता है मल्टी विटामिन मिनरल्स का, इसका यानी ज़्यादातर हेल्प जो होती है बर्ड के फेदर कंडीशन में, बर्ड के यानी जो क्रस्ट होता है या फिर बर्ड जो शाइनी हो जाता है, उसका मेन रीज़न जो होता है बर्ड के अंदर हम जो कैल्शियम वगैरह आई है, बर्ड को जो हम यूज़ करते हैं मल्टी विटामिन मिनरल्स, उसका ये इफ़ेक्ट होता है, जिससे कि बर्ड आपका फुल शाइनी दिखता है और बर्ड जो है फेदर कंडीशन भी अच्छी होती है और शाइनी होती है। और मेन जो है पांचवा टॉपिक, आपका बर्ड जो है जिस भी आप इन्वायरमेंट में अपने बर्ड्स को रखते हो वहाँ पर वो सेट होना चाहिए, यानी हम हर यानी कुछ दिनों का गैप देकर अगर बर्ड की पोजीशन वगैरह चेंज करते हैं बार बार, यानी केज चेंज कर दिया या फिर जगह उसकी चेंज कर दी, इससे भी बर्ड डिस्टर्ब हो जाता है और ब्रीडिंग के अंदर प्रॉब्लम बहुत सारे आते हैं, जिससे कि बर्ड जल्दी ब्रीड पर नहीं आता, या फिर बहुत सारे लोग यानी जिसके पास फर्स्ट टाइम ब्रीड होती है वो हमेशा यानी अगर बर्ड ने एक लेइंग स्टार्ट कर दी है तो आज एक आया होगा तो उसे चेक करते हैं, उसके बाद दूसरे दिन भी वापस चेक करते हैं, इस तरह से बार बार चेक करने के बाद बर्ड जो है डिस्टर्ब हो जाता है, कभी कभार बर्ड एग के ऊपर बैठना भी बंद कर देता है, ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो फर्स्ट प्लस के अंदर हमें ज़्यादा पेयर को डिस्टर्ब नहीं करना है, या फिर एक अच्छा सप्लीमेंट एक अच्छा इन्वायरमेंट देना है, इससे बर्ड जो है आसानी के साथ में ब्रीड भी करता है और माशाल्लाह उसका रिजल्ट भी आप सभी के साथ में यानी अच्छा मिलेगा आपको उसका फीडबैक। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।